हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम आपको आरपीएससी में जो 269 असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली उनके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों ये हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया या फिर पीएचडी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो 269 पोस्ट निकले ये अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 269 जो पोस्ट निकली है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में निकली है। तो इसका जो लिंक है दोस्तों, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आरपीएससी मतलब जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंदर ये पोस्ट निकली है। और इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों इसके अंदर, ये है कि ये 22 जनवरी से शुरू हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन और क्लोजिंग डेट है इसकी 10 फरवरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो ये पोस्ट है वो हम देख लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो 176 पोस्ट है। और उसके बाद जैसे सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट है वो 93 पोस्ट है। और उसके बाद में जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है दोस्तों, वो सभी पोस्ट की अलग अलग इन्होंने डिसाइड की हुई है, वो हम देखेंगे। और जो एज लिमिट मैक्सिमम 37 डिसाइड की गई है और डिटेल में हम आगे अभी देखेंगे। और इसके बाद में जो बेसिक जानकारी है वो हम ले लेते हैं कि जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट की के जो मार्क्स है वो 100 रखे गए हैं यहाँ पे। और जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है 250 रुपये फॉर जनरल कैटेगरी और 150 SC ST के लिए रखा गया है। और यहाँ पे देखिए इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी PDF में। और आप अगर PDF डाउनलोड करना चाहते तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब है बोर्ड स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो ज़्यादातर पोस्ट है दोस्तों जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, मेडिकल और साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे जॉब है। आर्ट के लिए यहाँ पे जॉब काफ़ी कम दी गई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि बायोफिजिक्स की है, इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे बायोफिजिक्स की 4 दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे वही बात आ रही है कि अगर मैं सभी पोस्ट का नाम लूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जैसे ये है पैथोलॉजी की है 28 जॉब दी है, तो जिस भी दोस्त का सब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, क्या पता कौन से दोस्त का सिलेक्शन इसमें हो जाए। और आगे हम जैसे बात करें कि जो शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव है, वो क्या क्या है, ये देखिए दोस्तों ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों वही बात है कि मैं सभी का नहीं बता सकता, ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मैं सभी पोस्ट की डिटेल यहाँ पे नहीं बता सकता। और यहाँ पे हम और देखते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जैसे कि ये तो वही आ गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई। और उसके बाद में जैसे मेडिकल ऑनकोलॉजी दिया हुआ है, काफ़ी सब्जेक्ट है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ज़्यादातर मेडिकल के जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप एक बार PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि क्या आपका इसके अंदर सब्जेक्ट है या नहीं। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम निरंतर इस पर जो भी जॉब निकलती है नेट सेट JRF या PhD स्टूडेंट के लिए, तो उन सभी के लिए हम डालते रहते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे जैसे अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए ऑफिशियल साइट फॉर RPSC, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो कहाँ पे है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों, नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये आ गया जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम दोस्तों, काफ़ी स्लो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये रहा सबसे पहले वाला, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
यहाँ पे क्लिक करने के बाद वही है कि हमारे पास पीडीएफ ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाए। देखिए चलिए हम इसी में देखते हैं, इस पीडीएफ में यहाँ पे दिया हुआ होगा। यहाँ पे एक मिनट, नीचे है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक, ये रहा दोस्तों। ये रहा दोस्तों, ये रहा, इस पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन, ये नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, कोई नहीं आपका हो जाएगा ये लिंक। कई बार क्या होता है कि जब एक साथ काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा आसानी से यहाँ पे, तो आप अप्लाई कर लेना। और किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताना, हम आपका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों एक और चीज़ कि अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं जॉब के बारे में, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निमिज नेट ऐप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।